दोस्तों भले ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने आधे ब्रह्मांड का सफाया कर दिया, लेकिन उसने एक चीज़ को नहीं कुछ कर पाया। वो थे हमारे 6 के 6 एवेंजर्स, जो कि ओरिजिनल एवेंजर्स थे, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे पूरे एवेंजर्स की टीम के। अब ये कहा जा रहा है कि 6 के 6 एवेंजर्स किसी न किसी इन्फिनिटी स्टोन से कनेक्टेड है, तो आइए जानते हैं कि वो कैसे कनेक्टेड है। दोस्तों फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग 6 एवेंजर का बचना किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। 6 एवेंजर इक्वल्स टू 6 इन्फिनिटी स्टोन, और ये वही 6 एवेंजर है जो कि पार्ट 1 मूवी में हमें दिखाई दिए थे, जो कि है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, हल्क, थॉर और ब्लैक विडो। अब ये हर एक एवेंजर किसी न किसी इन्फिनिटी स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात करते हैं अगर पावर स्टोन की, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन मैन, क्योंकि वो खुद एक पावर सोर्स का जरिया है। उसने केव में एक आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे उसे अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है, उसी की वजह से उसका सूट चलता है, उसी की वजह से स्टार्क टावर, अब पूरा पूरा आयरन पेट्रियट जो कि हमें दिखाता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। तो पावर स्टोन रिप्रेजेंट करता है टोनी स्टार्क को। और अब बात आती है स्पेस स्टोन की, तो स्पेस स्टोन रिप्रेजेंट करता है थॉर को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि थॉर दूसरी दुनिया की, दूसरी रील का है, तो वो कहीं भी जाता है तो उसको उसे जाने के लिए उसको चाहिए होता है बायफ्रॉस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, जब वो टेलीपोर्ट होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है स्पेस स्टोन को, क्योंकि स्पेस स्टोन का भी यूज टेलीपोर्टेशन के लिए होता है। तो इसलिए एवेंजर्स 4 में स्पेस स्टोन का कनेक्शन थॉर से हो सकता है। अगले इन्फिनिटी स्टोन की बात करें तो आता है हमारे सामने रियलिटी स्टोन, और रियलिटी स्टोन का कनेक्शन हो सकता है ब्लैक विडो से। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं ब्लैक विडो एक रूसी जासूस है जिसका काम होता है चीज़ों को हेर फेर करना, लोगों के दिमाग के साथ खेलना। लेकिन हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि ब्लैक विडो का खुद का पास्ट ही चेंज हो गया था, उसकी रियलिटी खुद ही चेंज हो गई जब उसे ट्रेन किया जा रहा था। तो रियलिटी स्टोन कनेक्टेड है ब्लैक विडो से और उसकी स्टोरी से। नेक्स्ट इन्फिनिटी स्टोन की बात करें तो वो है सोल स्टोन। सोल स्टोन रिप्रेजेंट करता है क्लिन बार्टन को, जिसका नाम है हॉकाई। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं हॉकाई एवेंजर्स टीम की जान है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं वो एक सिंगल बंदा है जिसकी हर मेंबर से पट्टी है। और जैसे कि हमने देखा, जब वो नहीं था तो कैसे हमारी टीम बुरी तरह हार गई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात है जो एवेंजर्स को जोड़े रखने में मदद करती है, तो इसलिए कह सकते हैं वो सोल है हमारी एवेंजर्स की टीम का। तो उसका रहना एवेंजर्स 4 में बेहद जरूरी, ताकि एवेंजर्स को फिर से जीत मिल सके। अगले इन्फिनिटी स्टोन की बात करें तो वो है टाइम स्टोन, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कैप्टन अमेरिका को, जिनका नाम है स्टीव रॉजर्स। और जैसा कि सब जानते हैं ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका दूसरे समय का है जो कि बर्फ में 70 साल तक दबा रहा, और उसके बाद वो आया तो उसके लिए पूरा टाइम चेंज हो चुका था। तो जाहिर सी बात है टाइम स्टोन रिप्रेजेंट करता है कैप्टन अमेरिका को। अगले और आखिरी इन्फिनिटी स्टोन की बात करें तो वो है माइंड स्टोन, और जो रिप्रेजेंट करता है हमारे आखिरी एवेंजर बाहुबली एवेंजर्स महाबली एवेंजर्स ब्रूस बैनर को, जिसका नाम है हल्क। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रूस अपनी पर्सनालिटी में एक बेहद काबिल साइंटिस्ट है, उसने 7 PhD की है, वो बहुत जीनियस है, वो ये कर सकता है वो कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दूसरी पर्सनालिटी हल्क है, जो काफ़ी ताकतवर है और हल्क से बिल्कुल जुदा है। लेकिन दोनों की चीज़ें एक ही चीज़ से कनेक्टेड है, वो है उनका दिमाग, और दोनों लोग इसी में आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन किसको ओवर पावर करेगा। तो ये कनेक्टेड है सिंपली माइंड स्टोन से। तो दोस्तों ये थी वो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन की रिप्रेजेंटेशन, जो अपने अलग अलग एवेंजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या पता है ऐसा एक्चुअली में हमें एवेंजर्स 4 में देखने को मिले, अभी तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा 2019 में जब एवेंजर्स 4 रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।